असलकम स्टूडेंट्स आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम सेकेंड टर्म को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो हमने चैप्टर स्टडी करना है वो इनहेरिटेंस का है ओपन योर बुक्स पेज नाइन्टी फोर इहेरीटेंस सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे जेनेटिक्स की ठीक है कि जेनेटिक्स होती क्या है जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस के जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके हम इनहेरिटेंस को यानी कि वरासत को स्टडी करते हैं वरासती खसूसियात को इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सप्रिंग इनहेरिटेंस किसे कहते हैं कि करैक्टर्स का ट्रांसफर्ट होना पेरेंट्स से ऑफ सप्रिंग दीज करेक्टर आर कॉल्ड ट्रेड्स और हम इन करैक्टर जो हेरिटेबल करेक्टर्स होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आती हैं उनको हम नाम देते हैं ट्रेड्स का फॉर एग्ज़ाम्पल इन मैन हाइट कलर ऑफ आइज इंटेलिजेंस एक्सेट्रा और इनहेरिटेबल ट्रेड तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया कि डिफाइंड जेनेटिक्स तो आपने बनाना है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस क्या होती हैं इहेरीटेंस का मतलब है कि करैक्टर का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाना और ये जो करैक्टरिस्टिक होती हैं ये हेरिटेबल करैक्टरिस्टिक होती हैं और शिफ्ट करती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग और इन करैक्टर्स को हमने ट्रेड का नाम देना है फॉर एग्जाम्पल हाइट कलर ऑफ आईज़ इंटेलिजेंट पेरेंट्स पास करेक्टर टू देयर यंग थ्रू जीन ट्रांसमिशन और ये करैक्टर्स जो होते हैं ये पेरेंट्स से ऑफ सप्रिक में किसके थ्रू जाती हैं जीन्स की वजह से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट्स आर कम्बाइंड डूरिंग फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन क्या था कि एग एंड स्पम्प की फ्यूजन होना कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं बोथ पेरेंट्स से आपस में कम्बाइन करते हैं द क्रोमोसोम्स कैरी द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड जीन्स और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर इनहेरिटेंस की यूनिट होती है और उसको हम क्या कहते हैं जीन्स ठीक है कि पेरेंट्स जो हैं ये करेक्टर्स अपनी यंग वंस के अंदर या ऑफ के अंदर जीन्स के थ्रू शिफ्ट करती हैं और ये जीन्स जो होती हैं ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम्स एंड जीन्स जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए दे कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सेंथिस और इनके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन बनाने के लिए इन ऑर्डर टू नो द नेचर एंड वर्किंग ऑफ जीन्स वी विल हैव टू स्टडी क्रोमोसोम इन डिटेल द बॉडी सेल्स हैव ए कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ बीयर्ड क्रोमोसोम द टू क्रोमोसोम्स ऑफ पेयर आर नोन एज होमोलोग क्रोमोसोम जैसे नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि वो क्रोमोसोम जो आइडेंटिकल होते हैं स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी अपना पेयर बनाती हैं और उसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडीज दीज आर ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर ए टोटल ऑफ फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम इंसान के सेल के अंदर कितने होती हैं क्रोमोसोम फोर्टी सिक्स होती हैं जब वो अपना पेयर बनाती हैं वो क्रोमोसोम जो सिमिलर होती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में वो अपना पेयर बनाती हैं और इस तरीके से उसके सेल के अंदर ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर ट्वेंटी थ्री पेयर बन जाती हैं वेमिलर वी recall that during डूरिंग मे number टू नंबर ऑफ़ pair क्रोमोसोम पीअर सेपरेट जब होमोलोग प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस के अंदर क्या होते हैं कि ये होमोलोग क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और इस तरीके से जब लास्ट में गेमर्स बनती हैं तो हर गेमर्स के अंदर वो एक क्रोमोसोम आ जाता है ठीक है तो इसमें हमने क्या स्टडी किया कि जीन जो है वो डी एन पर कोशिस करती हैं और उस जीन के अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन सेंथिसिस करने के लिए क्रोमोसोम जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं पेयर फॉर्म में होते हैं और वो क्रोमोसोम जो सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन में होती हैं अपना पेयर बनाते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं और इस तरीके से इंसान के अंदर ट्वेंटी थ्री पीयर ऑफ होमोक्रो होमोलोगस क्रोमोसोम होती हैं क्रोमोसोम इज मेड ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल सिंपल एज क्रोमेटिन अब ये बता रही है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जहाँ पर आपकी स्टूडेंट हाइडिंग आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल क्रोमेटिन क्रोमेटिन इज अ कॉम्प्लेक्स मटीरियल मेड ऑफ डी एन एंड प्रोटीन और ये प्रोटीन जो होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है और ये हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है यह सिर्फ और सिर्फ क्या होती है किसके अंदर होती है क्रोमैटन के अंदर होती है डी एन ए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन डी एन ए जो है वो अपने आप को इस हिस्टोन प्रोटीन के गिलद रैप करता है लपेट लेता है फॉर्म रोन स्ट्रक्चर कार्न्यूक्लोसोम्स और एक रोन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लोसोम्स कहते हैं डी एन एज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लोसोम और डी एन ए जो है इस न्यूक्लोसोम के दरमियान भी प्रेजेंट होता है इन दिस वे न्यूक्लोसोम एंड डी एन ए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग और इस तरीके से ये इस तरीके से लगता है जिस तरह से एक डोरी के अंदर मोतियों को प्रोया होता है स्टूडेंट्स अगर ये हम देखकर स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम है ये अपने आपको जो नजर आ रहा है ये डीएनए और ये जो गोल आपको नजर आ रहा है ये स्टोन प्रोटीन है अब ये है कि डीएनए इसको अपने इर्द के इसके गिर्द अपने आपको लपेट लेता है और इस तरह एक स्ट्रक्चर ड्रोन से स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का उसने कहा है अब इस न्यूक्लियोसोम के दरमियान में भी ये डीएनए प्रेजेंट होता है और इस तरह के से लगता है कि जैसे एक डोरी के अंदर ये मोती प्रोए होती हैं द फाइव द फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लोसोम्स कंडेंस इन टू कम्पैक्ट फॉर्म एंड हेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और इस तरीके से ये फाइबर जो होती हैं न्यूक्लोसोम्स के क्या होते हैं कंडेंस हो जाते हैं कंपैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर और उस तरह से ये क्या बना देता है क्रोमोसोम तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया केमिकल उसकी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो आपने बताना है कि क्रोमोसोम जो होती हैं वो किससे बनी होती है क्रोमेटन मटीरियल से और क्रोमेटन मटीरियल जो है ये डी एन ए से और प्रोटीन बना होता है प्रोटीन को है, स्टोन प्रोटीन होती है डी एन ए जो है वो अपने आप को इसके इस प्रोटीन के गिर्द क्या कर लेते हैं रैप करता है और एक रोन स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लोसोम और इस तरीके से डी एन ए जो है उसके दरमियान न्यूक्लोसोम के दरमियान में भी प्रेजेंट होता है और ये न्यूक्लियोसोम जो है वो कंडेंस होके एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ ये आया आपका डिफाइंड क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके जेनेटिक्स की डेफिनेशन इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आ जाएगी उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो आपको आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं डिस्क्राइब द्रो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम तो ये फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लेकर जाना है और साथ में ये आ जाएगा ठीक है बाजू एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है न्यूक्लोसोम्स डिफाइंड न्यूक्लोसोम आ जाएगा तो ये स्टूडेंट्स आपका क्रोमोसोम एंजीन्स के बारे में अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कल इन शाला हम जो है वॉस्टन क्रिक मॉडल को स्टडी करेंगे और स्टूडेंट जो इसमें होमवर्क वगैरह होगा आपने जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने ज़रूर अपनी कॉपीज़ पे लिखनी है ओके अल्लाह